जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली पूरा को पूरा BSF पे होने वाला है। जिन लोगों को जो BSF ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो BSF जिनकी फर्स्ट चॉइस है वो भी देखें, और जिनको लगता है कि उनको BSF मिल जाएगी, उनकी क्या BSF मिलने से उनको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, तो उसके लिए वीडियो ज़रूर देखिए। कई लोगों ने BSF के बारे में जो सूचनाएँ सुनी है, कुछ गलत कुछ सही है, तो आज के इस वीडियो में आपकी क्लियर करने वाला हूँ कि क्या क्या उनमें से आपने सही सुना है और क्या क्या गलत सुना। दोस्तों साथ ही बता दूं, जो दोस्त नई तैयारी करने वाले SSC GD की, वो मेरे दूसरे YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिसमें मैं तो रीजनिंग की क्लास शुरू करने वाला हूँ, उससे जुड़ जाइए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप उसके लिंक से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसमें मैं बहुत ही जल्दी मैं तो रीजनिंग की क्लासें शुरू करने वाला हूं। दोस्तों तो अब बात करते हैं कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में आपने जो सुनी है, आपकी जो राय है वो कितनी गलत और कितनी सही है। दोस्तों सबसे बड़ी जो बात जो सुनते हो, वो सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ। मेरे को याद आ गया, कुछ लोग मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि सर आप सेविंग नहीं बनाते, तो फोर्स तो डेली सेविंग बनाती है, आप क्यों नहीं बनाते? तो आपको बता दूँ, कुछ स्पेशल ड्यूटी ऐसी होती है जिनमें आपको सेविंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जब स्पेशल ड्यूटी करते हो तो आपको परमिशन रहती है सेविंग नहीं बनाने की। आपकी इच्छा हो तो आप बनाओ, आपकी इच्छा नहीं है तो मत बनाओ, तो आपको भी रखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो BSF की के बारे में आपने जो गलत जानकारी सुनी है, सही जानकारी सुनी है, शुरुआत करते हैं यहीं से। तो पहली जो बात मैं बता रहा हूँ वो है कि जो आप कुछ लोगों ने ये सुना कि BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो क्या BSF ओनली बॉर्डर पर ही ड्यूटी करती है? तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है। BSF ओनली बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं करती। आपको पता है जैसा कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा जो सबसे लंबा बॉर्डर है, और भारत विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी BSF है, तो ये इस बॉर्डर पे जरूर ड्यूटी करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉर्डर पर ही ड्यूटी करती है। आप BSF को देखोगे इलेक्शन ड्यूटीज़ भी करती है, VIP ड्यूटीज़ भी करती है, और जैसे बाघ बॉर्डर हो गए, या इस प्रकार जैसे आपने देखा होगा बाघा बॉर्डर, वहाँ पर जो उनके कमांडो रहते हैं क्रोकोडाइल कमांडोज, तो स्पेशल ड्यूटियाँ भी करती हैं। साथ में BSF के बहुत सारे जो जवान होते हैं, जो NSG में जाना चाहता है NSG में जा सकता है, क्रोकोडाइल कमांडो बन सकता है, SPG में जाते हैं कुछ BSF के कमांडोज, NDRF नेशनल डिजास्टर फोर्स उसमें भी जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि केवल एक बॉर्डर पर ही ड्यूटी नहीं करते। BSF भी CRPF के बाद में अपने देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में विश्व की, ना ओनली भारत की, विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। दोस्तों कई लोगों को ये भी सुना होगा कि जो BSF में उनको कैंटीन सुविधाएं मिलती है, और उसके बारे में आपकी जो राय, उनको लिक्विड कार्ड मिलता है या नहीं मिलता है इसके बारे में। तो दोस्तों बता दूं, कैंटीन CPC कैंटीन सुविधाएं मिलती है, जो गृह मंत्रालय के दौरान अंदर आता है, जैसे सभी पैरामिलिट्री फोर्स को मिलती है, जैसे CRPF BSF ITBP CISF इन सभी को जो CPC कैंटीन सुविधा मिलती है, वही BSF को कैंटीन सुविधाएँ मिलती है, और लिक्विड कार्ड इन फोर्सेज में नहीं बनता। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिनमें ये व्यवस्था की गई है, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है। लिक्विड कार्ड या दारू मिलने, उसका आपको सैलरी में पैसा आता है आजकल, जिसको रम अलाउंस बोलते हैं। तो सभी की पे स्लिप, मैंने जब पे स्लिप का भी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना। उसमें रम अलाउंस दिया हुआ रहता है, तो जिस एरिया में आप ड्यूटी कर रहे हो तो उस एरिया का रम अलाउंस कितना है वो उसमें अलग से दे दिया जाता है। आपको लिक्विड कार्ड इन फोर्सेज में नहीं मिलता। कईयों ने सुना होगा कि BSF में दारू मिलती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि दारू मिलती है, दारू नहीं मिलती है BSF में, लिक्विड कार्ड नहीं मिलता। हाँ, कैंटीन में रहती है, कैंटीनों में लिक्विड भी रहती है, दारू रहती है, लेकिन हाँ, हर महीने जो पहले आपने सुनी है वो बांटने वाले की भाई दारू मिलती है हर जगह ड्यूटी में, तो ऐसा नहीं होता है। ये बातें आपने गलत सुनी है दोस्तों, क्योंकि मिलती है, कैंटीनें बनी हुई है CPC कैंटीन, उनमें ज़रूर मिलती है, लेकिन अलग से कोई भी लिक्विड कार्ड नहीं बनता है। साथ में BSF, आपको पता है BSF एक ऐसी फोर्स, तो दोस्तों अगर आपने BSF आपकी फर्स्ट चॉइस है, आपको BSF मिलती है, तो बहुत ही अच्छी फोर्स है। आपको पता है कि BSF के अभी प्रेजेंट टाइम में कितना नाम है हमारे देश में। साथ ही BSF की आप चाहे जम्मू में कहीं पे भी ड्यूटी हो, स्पेशल जो रिस्क अलाउंस होते हैं वो 20-20 हज़ार, हाईएस्ट 20,400 के आसपास इनका रिस्क अलाउंस है। जो आपको जम्मू जब बॉर्डर एरिया में ड्यूटी करते हो, तो आपको पेमेंट के एक्स्ट्रा, यानी आपकी जो पे स्लिप मिलती है, जो बेसिक पे मिलती है, उसके अलावा आपको 20,000 रुपये तक एक्स्ट्रा रिस्क, हाई रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है। जिस एरिया में आप ड्यूटी कर रहे हो उस एरिया के हिसाब से आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। साथ में BSF देश के गृह मंत्रालय के
अंदर आके इलेक्शन ड्यूटी, आपको पता है इलेक्शन ड्यूटी में जरूर आपको, आपने BSF को देखा होगा, इलेक्शन ड्यूटी भी करती है और भी आंतरिक सुरक्षा के जो काम होते हैं उनमें भी कई बार अपनी हिस्सेदारी दिखाती है दोस्तों। तो आपने जो BSF, जिन जिन लोगों की BSF फर्स्ट चॉइस है तो उनको बता दूं कि जब ट्रेनिंग होगी आपकी, ट्रेनिंग के दौरान भी BSF की जो ट्रेनिंग होती है, CRPF की जो ट्रेनिंग होती है, वो सेम ही होती है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो बेसिक जो फर्क होता है कि उनमें जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो कौन कौन सी वहाँ पर जो गन यूज होती है उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, CRPF में जो आंतरिक सुरक्षा की जो ज़्यादा होती है कि आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या वेपन्स काम में आते हैं, तो उनकी तो वो बेसिक फ़र्क होता है। बाकी ट्रेनिंग 44 वीक की BSF की होती है और 44 वीक की CRPF की होती है, इनमें एक दो वीक ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आपकी फर्स्ट चॉइस BSF है तो ये मान के चलिए कि आपने बहुत ही अच्छी फोर्स को चूज़ किया है और BSF में आपको सर्विस करके बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है दोस्तों। BSF की वर्दी के बारे में आप सभी को पता है कि BSF की वर्दी कितनी लाजवाब है, बिल्कुल पैटर्न या BSF की गाड़ियाँ भी आपने कई बार देखी होगी। कुछ लोगों को ये लगता है कि जो BSF की जो गाड़ियाँ होती है और आर्मी की गाड़ियाँ वो सेम होती है, तो ये भी कईयों का क्वेश्चन रहता है कि सर सेम ही होती है, कि सेम नहीं होती है। आप देखना आर्मी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी नंबर प्लेट अलग होती है, उनको कोई भी स्टेट अपने नंबर, जैसे राजस्थान का RJ, UP का UP, तो ऐसे नंबर नहीं देता है, उनके स्पेशल आर्मी की अपनी खुद की नंबर प्लेट जो होती है उनके स्पेशल नंबर होते हैं, उनको कोई भी स्टेट की नंबर प्लेट नहीं दी जाती है दोस्तों। लेकिन BSF की गाड़ियाँ ज़रूर वैसी होती है, लेकिन इनकी जो नंबर प्लेट आप देखोगे वो देखना स्टेट के हिसाब से नंबर प्लेट होगी, किसी UP की, राजस्थान की, उनकी नंबर प्लेट पे ऐसा लिखा होगा, लेकिन आर्मी की गाड़ी पे किसी भी स्टेट का नाम नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो नंबर प्लेट होती है वो खुद ही बनाते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर जो BSF और CRPF है इनमें कितना डिफरेंस है, इनकी ड्यूटीज़ में कितना डिफरेंस है, इनकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है। BSF के कुछ लोग बोलते हैं सर बॉर्डर पे लगातार कैसे ड्यूटी कर लेते हैं 3-3, 4-4 महीने, या इनकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है। दोस्तों बता दूं कि ड्यूटी सभी का अलग अलग टाइप की ड्यूटी होती है, सब जगह अलग अलग होती है। CRPF की ड्यूटी अलग होती है, BSF की ड्यूटी अलग होती है, डिफरेंस ड्यूटी का होता है, क्योंकि CRPF आपको पता है आंतरिक सुरक्षा का काम करती है और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में मेन बेसिक काम करती है। जो ड्यूटी आती है वो 8 घंटे की एक दिन में ड्यूटी होती है, उसके अलावा 16 घंटे का रेस्ट होता है, जैसे 2 घंटे ड्यूटी 4 घंटा रेस्ट, 2 घंटे ड्यूटी 4 घंटा रेस्ट, इस प्रकार से करती हैं। कई जगह ये अलग प्रकार से होती है, जैसे लगातार 4 घंटे ड्यूटी फिर 8 घंटे रेस्ट, इस प्रकार से भी ड्यूटी होती है बॉर्डर पर। तो वो अलग अलग हिसाब से एक दो दो भी ड्यूटी करते हैं, 3-3 भी ड्यूटी करते हैं, 4-4 भी ड्यूटी करते हैं, तो इस प्रकार से ड्यूटी होती है। तो ये नहीं है कि आपको एक दिन में 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं कि 12 घंटा ड्यूटी करोगे फिर आप 12 घंटा रेस्ट करोगे, इस प्रकार से ड्यूटी नहीं होती है बॉर्डर। तो कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर CRPF और BSF की ड्यूटी में समानताएं, नहीं समानता नहीं है, अलग अलग, बिल्कुल ही अलग ड्यूटीज है दोनों की। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में करती है, CRPF आंतरिक सुरक्षा, जैसे नक्सल के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, या देश में कहीं पे भी अगर शांति भंग हो रही है, जैसे कोई भी आंदोलन वांदोलन में, तो वहाँ पर CRPF आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। लेकिन BSF इन कामों से थोड़ा सा दूरी बना के रखता है, बाकी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटियाँ करते हैं। तो वहाँ पर कुछ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर क्या बॉर्डर BSF है वो कितने घंटे ड्यूटी करते हैं, एक जवान कितना घंटा ड्यूटी करता है, उसको रेस्ट का टाइम मिलता है नहीं। तो रेस्ट का टाइम पर सभी को मिलता है, अगर रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा तो कोई भी जवान की तबीयत बिगड़ जाएगी और सभी का आप स्टेमिना धीरे उतना ही है जितना आपका है, तो रेस्ट का टाइम भी मिलता है और मैक्सिमम एक दिन में 8 घंटे के आसपास ही ड्यूटी। हाँ, किसी कारणवश ये ड्यूटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सभी जगह अलग अलग प्रकार से ड्यूटियाँ होती है, एक ही प्रकार से ड्यूटी नहीं होती है कि आपका 2 घंटा ड्यूटी 4 घंटा रेस्ट। आपने कई बार सुना होगा कि जब मोर्चा ड्यूटी लगती है तो सभी जगह एक प्रकार की ड्यूटी नहीं, अगर पेट्रोल की गश्त लग रही है तो 8-10 घंटे के लिए बाहर जाते हैं, और भी कुछ इस प्रकार की जो ड्यूटियाँ होती है तो वो अलग होती है, उनमें अलग सिस्टम होता है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने BSF या CRPF या कुछ भी, तो नहीं, तो सभी की ड्यूटियाँ और रेस्ट सभी में मिलता है, इसीलिए सब जवान फिर देते हैं। आपने देखा ही होगा, जैसे हम भी आपसे जुड़े हैं तो हमको रेस्ट मिलता है, तभी तो जुड़े हैं, अगर पूरे दिन ड्यूटी करेंगे तो कैसे जुड़ जाएंगे। तो रेस्ट भी मिलता है, अच्छा रेस्ट मिलता है, पढ़ने वाले के लिए पढ़ने का टाइम भी मिलता है, चाहे वो BSF में हो, चाहे CRPF किसी में भी हो। तो दोस्तों आपकी जो चॉइस है वो बेस्ट है, तो अगर आप BSF में भी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इस पर नाज होगा दोस्तों। जय हिंद।